साथियों, आपके पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, कोई एसडी कार्ड हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकती है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम और आ जाती है कई बार, खास करके वो आती है राइट प्रोटेक्शन को लेकर के। जब भी आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं या उसके अंदर कोई कॉपी करना चाहते हैं कुछ आइटम, तो वहाँ पे लिखा आ जाता है राइट प्रोटेक्टेड का। ऐसे में पहला तो सिंपल सा है कि हम वहाँ पे एक एट्रीब्यूट चलाएंगे, वो होती है रीड ओनली के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप वहाँ पे लिखेंगे डिस्क पार्ट, एंटर यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने लिखना है लिस्ट डिस्क, फिर एंटर यूज़ करेंगे। तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क हैं, जितने पार्टीशन हैं, आपके हार्ड ड्राइव के पार्टीशन हो सकते हैं, आपने जो पेन ड्राइव या एसडी कार्ड यूज़ किए उसके पार्टीशन होते हैं, वो सारे डिस्क वहाँ पे शो करेगा। आप ये देख लें कि आपकी डिस्क कौन सी है, आपके कितने जीबी का पेन ड्राइव था या कितने जीबी का आपका मेमोरी कार्ड था, वो वहाँ पे चुन लें किस पार्टीशन के ऊपर है, वो पार्टीशन वहाँ पे सेलेक्ट करें। किस प्रकार सेलेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क, जो पार्टीशन का नाम है 1 2 3 4, जिसको आपने वहाँ पे रीड ओनली बनाना है, ठीक है। फिर एंटर यूज़ करेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम एट्रीब्यूट्स, स्पेस यूज़ करेंगे, डिस्क लिखेंगे, स्पेस क्लियर, स्पेस रीड ओनली, और एंटर यूज़ करेंगे। उसके बाद एग्जिट प्रेस करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाएंगे। आपकी पेन ड्राइव या आपका मेमोरी कार्ड जो भी है, वो आप वहाँ पे राइटिंग और रीड के लिए तैयार है। दूसरा मेथड आता है सिंपली, उसके लिए आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ आर प्रेस करेंगे। हम करेंगे हम विंडोज़ आर प्रेस, तो आपके पास रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे हम रजिस्ट्री एडिट, उसके लिए आर ई जी और करेंगे ई डी आई टी एडिट और एंटर यूज़ करेंगे और इसको कर देंगे यस। यस करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप चुन लें होट की लोकल मशीन, ठीक है। ये आपके पास इस तरह क्लोज भी मिल सकता है, आप इसको यहाँ से क्लिक करें, होट की लोकल मशीन चालू हो जाएगा। इसके अंदर चले जाएं सिस्टम में, सिस्टम के अंदर मिलेगा आपको करंट कंट्रोल सेट, यहाँ पे क्लिक कर लें। उसके बाद कंट्रोल्स पे चले जाएं। कंट्रोल्स के अंदर आपको यहाँ नज़र आएगा स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी, तो वो थोड़ा सा नीचे मिलेगा, नीचे खींच सकते हैं हम, एस के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। अगर ऐसा हो आपके पास, आपको नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल के ऊपर इधर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे न्यू, न्यू के अंदर करेंगे हम की, और इसके अंदर हम रीनेम कर देंगे, इसको लिख देंगे स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज, ओके, और एंटर यूज़ करेंगे। फिर से हम इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे हम न्यू, और न्यू के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे टू रूल्स टू वैल्यूज़ 32 बिट एंड 64 बिट्स। ये आप चेक कर लें कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 32 बिट यूज़ कर रहे हैं या 64 बिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो सिंपली भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। हम कंप्यूटर के राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर करेंगे हम राइट क्लिक, इधर जाएंगे न्यू, और इसके अंदर हम करेंगे 64 बिट को सिलेक्ट। तो ये आपका 64 बिट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसका हम नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम राइट WRITE और प्रोटेक्ट, ठीक है, राइट प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे। और फिर से हम इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे मॉडिफाई, और यहाँ पे जो जीरो लिख रखा है आपके पास, इसको हम कर देंगे 1 और कर देंगे ओके, ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। और यदि इससे भी नहीं होता है तो एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये ऑल ओवर फ्री नहीं है, लेकिन सिंगल यूजर्स के लिए फ्री है, आपका एक दो बार के लिए काम चल सकता है। इसको डाउनलोड कर लें और इसके ज़रिए आप अपने पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।